हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर जहां आप इंस्टाग्राम पर कोलाइव करना चाहते हैं और कोलाइव होता क्या है, कोलाइव से पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में अगर जहां आप कोलाइव करना चाहते हैं तो कोलाइव के थ्रू हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। एकदम सब कुछ डिटेल में बताऊँगा कि कैसे आप कोलाइव कर सकते हैं और कोलाइव के थ्रू आपको पैसा कैसे मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। अब आपको चलना है कि कोलाइव कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है प्लस के आइकन पर। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा जो प्लस से हम रील अपलोड करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर प्लस पर टाइप किए और प्लस पर टाइप करने के बाद यहाँ से हम एक एक इमेज ले लेते हैं। यहाँ से कोई इमेज हो या फिर कोई रील वीडियो हो, आपको एक ही सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, अब एक ही सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं रील पर टाइप कर देता हूँ। सारा प्रोसेस एक ही है। यहाँ से मैं ये रील वीडियो को एक टाइप कर दिया। अब टाइप करने के बाद अब यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कोलाइव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यही होता है कोलाइव। अब इसे ऐड कैसे करना है दूसरे के थ्रू, ठीक यहाँ पर समझिए। तो कोलाइव के थ्रू हम दूसरे किसी प्रोफाइल पर हम देख, अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने लगा दिया। कोलाइव के थ्रू ऐसे होता है, जैसे आप समझिए कि कोलाइव जैसे हम वीडियो बनाते हैं, एक कोई एक वीडियो चलता है और वीडियो को में उसे हम कोलाइव कर लेते हैं, जैसे हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस यही होता है कि कोलाइव में हम एक आईडी होता है, दूसरे आईडी से हम कोलाइव करते हैं, जैसे हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं सेम वैसे ही होता है। तो यहाँ पर कोलाइव पे करना क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर कोलाइव पर टाइप करेंगे। ठीक, कोलाइव पर टाइप करने के बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है टाइप टू ऐड कोलाइबरेटर्स, ठीक यहाँ पर हम टाइप कर दिए। जैसे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पर देखिए सर्च फॉर ए यूजर, आप किस यूजर के साथ कोलाइब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कोई एक दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक, अब जैसे यहाँ पर सर्च किया ए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नेट का इश्यू है। ठीक, यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया। ठीक, अभी इसके थ्रू देखिए अभी आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही किस आईडी के साथ किसके साथ आप कोलेब्रेशन करना चाहते हैं वो सारा डिटेल इसमें दिख जाता है। और दिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रोसेस लेगा और प्रोसेस करने के बाद ना यहाँ से यहाँ ये आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे कोई फाउंड नहीं मिला, यहाँ पर देखिए ये आ गया है सिंपल सा। अब आने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं सपोर्ट डेट मारिए कि ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है मैं इसके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, तो इस पर टाइप कर दिए। अब टाइप करने के बाद यहाँ से जैसे ही यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पर ये ऑप्शन है और ऑप्शन के साथ जो ये दिखाई दे रहा है ये, अगर जैसे ही यहाँ पर हम टाइप कर देंगे तो मेरा जो आईडी है उस आईडी के साथ रिक्वेस्ट चला जाएगा। अगर जहाँ वो बंदा एक्सेप्ट कर लेता है तो मेरा हम यहाँ से पोस्ट अपलोड करेंगे और उसके पास चला जाएगा। तो अगर जहाँ वो डिक्लाइन भी कर सकता है, अगर जहाँ जैसे आपने पोस्ट अपलोड किया और पोस्ट अपलोड करने के बाद अगर जहाँ वो कहता है कि ये मेरा पोस्ट नहीं है तो वो कैंसिल भी कर सकता है, डिक्लाइन भी कर सकता है। ठीक, तो यहाँ से मैं आपको अगर जहाँ करना है तो सिंपली सा आपको इस पर यहाँ से टाइप कर देना है डन पर, और यहाँ पर सिंपली सा डन हो जाएगा और कोलैब करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर जहाँ वो एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका कोलेब्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं अभी करूँगा नहीं, आपको करना है तो यहाँ से डन कर देना है। और आपको अगर जहाँ कोलैब करने के थ्रू आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले कैसे करना होगा, यहाँ पर आपको जाना है गूगल पर। अब गूगल पर आप जैसे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा, देख लीजिए आपको ये ए इन्फ्लुएंसर, ठीक ए इन्फ्लुएंसर मिलेगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा उस पर आपको टाइप करना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा अपना, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपका सारा डिटेल रहता है, आप किस कैटेगरी पर काम करते हो, आपका कितना वीडियो है, आपने कितना वीडियो अपलोड किया है और कितना व्यूज आता है। ठीक, यहाँ पर उसे सारा सबमिट करना होता है फॉर्म में, फॉर्म में सब कुछ लिखा रहता है, उसमें आपको लिखकर सबमिट कर देना होता है। अब जब आप सबमिट कर देते हो ना तो आपका जो रिव्यू करता है कि आप कौन सी कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग में आपका जो वीडियो अपलोड करते हो कितना व्यूज जाता है और इसके अकॉर्डिंग में आपके पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर जहाँ इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में।